मारने को आया मेरे को ईटा लेकर के, ईट लेके ये है ईट यहाँ पर रखा है मैंने। कौन ये? वो सामने योड़ा खड़ा है वो। तो हे गाइस, आज सौरव जोशी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक सब्सक्राइबर सौरव जोशी से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने एक गार्ड से बदतमीजी कर दी। जैसे कि आप सौरव जोशी के सोसाइटी के जो गार्ड थे उनकी शिफ्टिंग अलग अलग होती है, वो चेंज होती रहती है। उस तरफ से वो सब्सक्राइबर सौरव जोशी से मिलने के लिए गार्ड के सामने बदतमीजी करने लगा। वैसे आपको बता दें, ये जो बुजुर्ग गार्ड थे यानी कि अपने पापा के समान है, जिनकी एज 65 से 60 है, जिस लड़के ने इस गार्ड से बहुत ही बदतमीजी से बात की और ईंट उठा के उनको बोला कि मैं आपको ये ईंट मार दूंगा। उसके बाद सौरव जोशी आए और उस बंदे से मिले, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस बंदे ने अंकल से सॉरी मांगी। तो पहले वो वीडियो देखते हैं। ईंट लेके ये है ईंट यहाँ पर रखा है मैंने। कौन ये? वो सामने योड़ा खड़ा है वो अंकल जी। और आप इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हो, उनसे लड़ाई कर रहे हो, ईंट मारने जा रहे हो। गार्ड है, शिफ्ट वाइज गार्ड की ड्यूटी चेंज होती है ना, मेरी बात को समझना। गार्ड की ड्यूटी चेंज होती है, बार बार ड्यूटी चेंज होती है, ठीक है ना? अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा बताओ? आप सोचो ना। मैं सॉरी वही करेंगे ना। सॉरी बेटा मुझसे नहीं कहना है आपको, सॉरी उनसे कहना है। आप उनसे माफी मांगो, उनसे सॉरी बोलो। आप ऐसे कभी किसी से मिसबिहेव मत करना प्लीज गाइस, इस तरह से मत किया करो। इससे हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज। सो गाइस, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ ना करें जिससे सौरव जोशी को प्रॉब्लम हो उसकी सोसाइटी के अंदर। आपको वीडियो की अपडेट कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर कर दे, जिससे आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो।